बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। एक और शानदार आइडिया के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मैं हूँ आपका होस्ट अतीक और आपको वेलकम करता हूँ अपने चैनल स्मार्ट बिजनेस प्लान में। आज का शानदार आइडिया जो मैं आपके लिए लाया हूँ, ये ऐसी ख़वातीन जो हाउसवाइफ्स हैं और पार्ट टाइम करने की ख्वाहिशमंद हैं या कोई काम की तलाश में हैं, उनके लिए बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। वैसे इस बिज़नेस को है वो मेल भी कर सकते हैं और फीमेल भी कर सकती हैं, लेकिन ज़्यादातर ये फीमेल के लिए फ़ायदा मंद हो सकता है। आप इस बिज़नेस को जो है कि मुकम्मल वीडियो को एंड तक देखेगा ताकि आपको पूरी मालूमात मिले कि ये बिज़नेस क्या है और इसको कैसे करना है। बिज़नेस आइडिया शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के बटन पर क्लिक कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों हल्का आवाज़ में शेयर कीजिएगा। और आज की जो वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ, इसमें मैं आपके साथ जो आज आइडियाज डिस्कस करने लगा हूँ वो है कॉस्मेटिक्स का बिज़नेस और अंडरगारमेंट्स का। अंडरगारमेंट्स और कॉस्मेटिक्स एक ऐसी प्रोडक्ट है जो लोग जो है कि खासकर जो अंडरगारमेंट्स के हवाले से अगर बात करें तो जो है कि फीमेल जो है इस हवाले में जो है कि वो बाज़ार से जो है कि चीज़ को ख़रीदना पसंद नहीं करती, तो इसके लिए जो है कि ये फीमेल्स के लिए बहुत अच्छा बिज़नेस है। आप घर से इस बिज़नेस को शुरू कर सकती हैं, आप कुछ प्रोडक्ट लाकर जो है वो अपने घर में रख सकती हैं और इसको जो है कि एडवर्टाइज़ कर सकती हैं अपने राउंड अबाउट, अपने मोहल्ले में, अपने रिलेटिव्स के में कि ये इस तरह की प्रोडक्ट्स मेरे पास होती हैं, अगर आप में से कोई ख़रीदना चाहे तो आप मुझसे बआसानी इस चीज़ को घर में से ख़रीद सकती हैं। आपने इसमें करना यह है कि आपने होलसेल मार्केट का विज़िट करना है। इसमें यह है कि जो आपने होलसेल मार्केट है वो आपने अपने इलाके में जो बड़ी होलसेल मार्केट्स होती हैं, अगर लाहौर की हम बात करें तो शालम मार्केट है और वहाँ से आपने जो है कि इसको ख़रीदना है सामान को। और यहाँ पे एक बात जहन में रखें कि आपने क्वालिटी और जो है कि मियार को लाजमी जहन में रखना है, क्योंकि अगर आपकी माल जो है या आपकी क्वालिटी जो है दूसरों की निस्बत बेहतर होगी तो आपके जो कस्टमर बनेंगे वो परमानेंट आपके साथ कनेक्ट हो जाएंगे और आपसे वो चीज़ ख़रीदते रहेंगे। आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने क्वांटिटी बढ़ानी है और क्वांटिटी ऐसे बढ़ानी है कि आपने एक ही प्रोडक्ट जो है वो तकरीबन दर्जन और जो है वो दो दर्जन नहीं ख़रीदनी, बल्कि आपने उसको जो है अगर आप किसी चीज़ को दो दर्जन या तीन दर्जन कीमत में ख़रीदना चाहते हैं तो आप मुख्तलिफ डिज़ाइन और मुख्तलिफ जो है वो क्वालिटी की चीज़ को ख़रीदें। और इसी तरह जो है कि अगर आप जो है कि कोई भी प्रोडक्ट ख़रीदते हैं तो आप उसको मार्केट में जाएं और मार्केट से जाकर उसको ख़ुद स्टडी करें कि कौन सी क्वालिटी जो चीज़ आप ख़रीद रहे हैं कि उसका मियार क्या है, नॉर्मल मार्केट में शॉप पे वो चीज़ कितने की सेल हो रही है। आपने जब उसको होलसेल मार्केट से ख़रीदा तो आपने एक बात का ख्याल रखना है कि अपने काम को चलाने के लिए आपने अपना मार्जिन कम रखना है। इससे ये आपको फ़ायदा होगा कि आपकी चीज़ भी अच्छी होगी और जो है कि आप जब मुनाफा कम ले रहे होंगे, प्रॉफिट आप अपना परसेंटेज कम रखेंगे तो कस्टमर आपसे खुश होगा और जो है कि वो आपको जो है वो लोगों तक रेफ़र करेगा, दूसरे लोगों तक आपका जैसे दूसरी फीमेल्स तक आपकी जो है वो प्रोडक्ट की बात पहुँचेगी, तो इस तरह जो है कि आपके काम में इजाफा होगा और भी आपके कस्टमर बनेंगे। दुकानदार और जो है आप में ये डिफरेंस होता है कि आप इस चीज़ को घर में रख कर बेच सकती हैं, क्योंकि आप पे किसी तरह का भी कोई एक्सपेंस नहीं है, ना शॉप का किराया है, ना आपका बिजली का बिल है और ना ही इसी तरह के कोई भी आपके ऊपर अखराजात एक्स्ट्रा एक्सपेंस जो है वो नहीं है। लेकिन अगर दुकानदार वो चीज़ बेचता है तो उसको वो सारे जो है उसके अखराजात जो हैं उसमें उस प्रोडक्ट पे उसने परसेंटेज के हिसाब से एडजस्ट करने होते हैं और तब उस प्रोडक्ट का जो मार्केट में रेट होता है वो जो है आपकी प्रोडक्ट रेट से काफ़ी डिफरेंस होगा। यह है कि आपने जब उस प्रोडक्ट को बेचना है तो आपने अपना प्रॉफिट एक नॉर्मल रखें ताकि स्टार्ट में आपके कस्टमर ज़्यादा बने, लोगों को अच्छी चीज़ प्रोवाइड करेंगी तो आप का जो है ये काम चल पड़ेगा और घर में बाइज्जत बैठकर आप इस काम का आगाज़ कर सकती हैं और एक अच्छी अर्निंग आप ले सकती हैं।
ये बहुत ज़बरदस्त काम है। आप इस काम को एक और तरीके से भी कर सकती हैं। उसके लिए आपको ये करना है कि फेसबुक पे अपना पेज बनाना है और पेज के ज़रिए भी आप अपनी प्रोडक्ट को सेल कर सकती हैं। ये बात याद रखें कि आपने जब अपनी चीज़ को ऑनलाइन भी सेल करना है तो क्वालिटी का ख़ास ख्याल रखना है, अच्छी चीज़ कस्टमर को लाजमी डिलीवर करें। अगर आप इस काम को मुस्तकिल करना चाहती हैं तो उसके लिए आपको जो है अपने प्रोडक्ट को जो है कि क्वालिटी का मेयार जो है वो सही रखना है। अच्छी चीज़ कस्टमर तक पहुंचेगी तो रिव्यू अच्छा मिलेगा और इस तरह जो है कि आपके कस्टमर परमानेंट बनते जाएंगे और जो है कि आपका काम बहुत आसानी से और बहुत अच्छे तरीके से चल पड़ेगा। होम बेस्ड बिजनेस है, घर में बैठकर किया जा सकता है। ऐसी आपको बहुत सारे कस्टमर या फीमेल्स कस्टमर मिल जाएंगी जो कि बाज़ार से जो है इन चीज़ों को ख़रीदना पसंद नहीं करती, तो वो आपके पास बआसानी आ सकती हैं और आप अपनी चीज़ उन तक पहुंचा सकती हैं। इस तरह के बहुत सारे शानदार आइडियाज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के बटन पर क्लिक करें। वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों हल्का आवाज़ में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।